अपना ब्लॉग करो ना तो सब आदमी कैसे दिखता है, अपने को सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई क्या ही भीड़ है यहाँ, देखियो भीड़ बात ना, घर पे किसी को पता नहीं है, पूरा लाज जूता भी मिलता हम लोग को अच्छे से। जोहार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो अभी सुबह के बज रहे 8:30, इतना जल्दी देखो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब हम वो छोड़ी जा रहे हैं मम्मी के बिना, वो भी धनबाद घूमू घूमू करने के लिए। तो व्लॉग को एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा। और अभी बहुत ज्यादा ही लेट हो रहा है क्योंकि हम लोग 10 बजे तक पहुंच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो आप लोगों को ब्लॉग देखने से ही पता चलेगा। तो चैनल भी पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं, निकलते टाइम। तो मम्मी का आशीर्वाद ले लिए तो जस्ट निकल रहे अभी। चल टाटा। तो हम लोग फाइनली मेन रोड आ चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट पेट्रोल भरा है पीछे था। यस मौजी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एग्जाम सेंटर। और कितना मिनट लगा पहुंचने में हमें? सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं खालसा हाई स्कूल धनबाद में। छोटी का सेंटर पड़ा है, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रही है पॉलिटेक्निक का ना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो एक्साइटेड हो, नर्वस हो? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम वो भी मम्मी के बिना हम लोग धनबाद आए हैं। ये सेकंड टाइम हो रहा है, और एक बार हम लोग झरिया आए थे वो भी मम्मी के बिना और धनबाद आए हैं आज। और ये सेंटर ना यहाँ पे पड़ा है, ये गुरुद्वारा ना क्या है, हाँ ये गुरुद्वारा है, यहीं पे जस्ट हम लोग का सेंटर पड़ा है छोटी का। तो इसका एग्जाम है 10 बजे से और उसके बाद हम लोग घूमेंगे, मजे करेंगे, ये और मस्त आप लोगों को व्यू भी दिखाएंगे। तो अभी जस्ट देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आए थे जब आकांक्षा का, और इस बार छोटी का पड़ा है यहाँ पे एग्जाम सेंटर, वो भी पॉलिटेक्निक का। ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही है। तो अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को सेंटर, मस्त एकदम। अपना ब्लॉग करो ना तो सब आदमी कैसे दिखता है, अपने को सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। दिखाओ आपको भीड़ कितना ज्यादा है यहाँ पे। तो ये देखो हमने जस्ट गाड़ी पार्क ना वो साइड में किया था, इधर ही कर लेना चाहिए था ना। बहुत जल्दी आ गए इसके वजह से, हमको कितना बजे लेके आई हमको क्या पता था कि सामने है पूरा। अरे यार हम इसको बोले कि जल्दी पहुंच जाएंगे, कम से कम 15 मिनट में तो पहुंच जाते क्योंकि इधर रोड बहुत ज्यादा ही खाली था ना। पहले पता हमको पता था। लो ये बुला लो। चल फर्स्ट टाइम ऐसे आए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यस ये फर्स्ट टाइम नहीं, तेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा ये सेकंड टाइम है। हम लोग कहाँ पे तेरा दिया है रूम नंबर वो वगैरह देख लेंगे। लाइन लगे अच्छे आधा बंगला बोल रहा है। ओ भाई क्या ही भीड़ है यहाँ, देखियो ये देखो भीड़, सब आ गया एग्जाम देने। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर तरफ, भाई क्या भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग आ गए इतने सारे उठ के। नहीं है यार ना बंद हो, रूम नंबर देख पाना एक डर गए थे यार इतना ज्यादा। A few moments later. तो फाइनली यहाँ पे एग्जाम अभी खत्म होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 12:26, 12:30 में छुट्टी होगा। लेट्स देखते हैं उसका एग्जाम कैसा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे और पूछेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया था। बहुत तेज यहाँ पे बैठ बैठ के मतलब खड़े होकर वेट कर रहे थे, अभी मौसम लग रहा है कि बारिश होगा, देखते हैं क्या होगा। तो फाइनली इधर आ रही है। कैसा गया एग्जाम? ओके ओके। मैथ का क्वेश्चन कैसा था? चलो बताते हैं साइड में, कैसा गया? कितना देर से हम इसका वेट कर रहे थे पता है? कम से कम एक डेढ़ अढ़ाई घंटा हम इसका खड़े होके वेट किए, एकदम दिमाग खराब हो गया। घूम लेते इधर गुरुद्वारा वो सब आया है, अकेले अकेले घूम लेते। अरे वहाँ पे कोई नहीं था,
अकेले थे हम, तो क्या करते, और अकेले जाके हमको डर भी लग रहा था अंदर में, कौन है कौन नहीं बोल के। तो फाइनली इसका एग्जाम खत्म हो गया है और ये आ चुकी है अभी, वैसे बोल रही ठीक ठाक एग्जाम गया है, पता नहीं कैसा गया, रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। दे रही है हमको कुछ खाने के लिए, तो जा रहे हैं हम अभी खाने के लिए, ठंडा मस्त एकदम। मेरे लिए भी एक लेके आ, ठंडा में ही गन्ना वाला जूस। तो इधर हम लोग आ चुके हैं और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क किया था, हमारी गाड़ी तो दिखा नहीं थी भाई, हम लोग यहाँ पे डर गए थे, स्कूटी यहाँ पे ढिकल ढिकल के कर दिया है, हम लोग से लेके भाग गया हम लोग का गाड़ी, अभी तो जान निकल गया था अपना। और यहाँ पे ना गैराज है ये देखो, और इधर साइड में रख दिया था, पकड़ो इससे देखो, हम अक चाबी नहीं मिलते, चाबी नहीं मिला तो घर कैसे जाएंगे। A few moments later. So finally हम लोग आ गए अभी घर, और बारिश हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग को फटाफट से घर आना पड़ा। तो ये देख लो इसको अभी लाइन हिला रही थी। अब पहुंचने के बाद पता चलता है कि हम लोग इसका आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड लेके नहीं गए थे और एक फोटो भी मांगा था, बट वहाँ पे कुछ सर वगैरह थे ना, तो वो लोग बोले कि चलो कोई नहीं एडमिट कार्ड लाइट उसी से हो जाएगा, वरना तो ऐसे एग्जाम में एडमिट कार्ड ही इम्पोर्टेंट होता है, आधार कार्ड मांगता है जो MTS एग्जाम देने भी जाता है ना, उसको आधार कार्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। फोटो भी शायद मांगा था, एक फोटो नहीं मांगा था, कुछ नहीं लेके गए, खाली एडमिट कार्ड। तो ये लेके चल गई एडमिट कार्ड, पूरा रूम हम लोग बिखेर के चल गए थे, ये देखो है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और फटाफट से घर भी आना था, काफी ज्यादा लेट हो रहा था, तो हम लोग कुछ कुछ खाए उसके और जस्ट वहां से निकल गए, इतना ज्यादा थक गए यार क्या। The next day. गुड मॉर्निंग। तो जस्ट इसका फर्स्ट टाइम ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, बट इसका अच्छा नहीं गया क्योंकि बोल रही है कि मैथ का सारा क्वेश्चन मतलब छूट गया इसका, एक दो शायद बनाई होगी, तो मैथ इसका अच्छा नहीं गया, बाकी मतलब जो कुछ भी मतलब साइंस का आया था वो सब अच्छा ही बनाई थी। और ये इसलिए नहीं देख रही क्योंकि इसका थोड़ा भी बिगड़ा हुआ है, जस्ट सो के उठी है अभी। प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही वीक है और इसका मैथ बहुत ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि सबका मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट खराब रहता है ना, जस्ट मेरा इंग्लिश खराब है, इसका मैथ खराब है, मैथ में एकदम ये जीरो है, मेरा इंग्लिश में एकदम जीरो है। क्या चाबी है ना गुम हो गया, तो वहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, पहुँच गए थे और इसको बोले थे हम चाबी निकाल लेना वहाँ से, और ये चाबी नहीं निकाली, तो और ये बात ना घर पे किसी को पता नहीं है, तो ये ब्लॉग देखेगा तो पता चलेगा ऐसे। और ज़्यादा कुछ नहीं, उसका चाबी हम लोग को मिल गया था वहीं पर, बहुत ज़्यादा ही हम लोग डर गए थे क्योंकि स्कूटी खो जाता तो फिर हम लोग घर कैसे आते, घर पर पूरा लाद जूता भी मिलता हम लोग को अच्छे से, क्योंकि मैंने 10th में भरा था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था बट मैंने नहीं किया था क्योंकि प्राइवेट हुआ, प्राइवेट में तो खर्चा होता है ना बहुत ज़्यादा, सोचे थे सरकारी में होगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए जैसे मैंने किया नहीं पॉलिटेक्निक। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये पूरा वीडियो में नहीं है।